नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट की श्री में। मैं हूं अविनाश। भारतीय अंडर 19 विश्व विजेता महिला टीम का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। भारतीय अंडर 19 टीम ने हाल ही में हुए अंडर 19 T20 विश्व कप में इंग्लैंड को फाइनल में हराकर चैंपियन बनी है। इस जीत के साथ ही शेफाली वर्मा की टीम की चर्चाएं पूरे देश में हो रही है। 1 फरवरी को BCCI ने ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चैंपियन टीम को सम्मानित करते हुए 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया। आइए वीडियो के जरिए जानते हैं कि कैसे चैंपियंस का दिल्ली में स्वागत किया गया। भले ही भारतीय पुरुष टीम जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट जीती है तो लोग तारीफों के पुल बांध देते हैं, मगर हमारी महिलाओं ने भी पूरे हुनर दिखाते हुए प्रूफ कर दिया कि वो भी किसी पुरुष टीम से कम नहीं है। साउथ अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 T20 महिला विश्व कप में भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने परचम लहराया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल कर पहली बार अंडर 19 के विश्व विजेता टीम बनी है। पहली बार मिली यह जीत अपने आप में खास है। वहीं इस जीत को पहले तो और भी खास बनाया BCCI ने, जब उन्हें सम्मानित तो किया गया है, साथ ही साथ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने उनके दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बताया। वहीं कल पूरी चैंपियन टीम दिल्ली पहुंची तो वहां भी इस टीम को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोग वहां फूल माले के साथ चैंपियन टीम का स्वागत कर रहे थे। लोगों के बीच इस जीत का जश्न भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा भारत की पुरुष टीम 2011 में विश्व कप विजेता बनने पर हुआ था। वहीं अब 9 फरवरी से साउथ अफ्रीका में T20 विश्व कप भी खेला जाना है, जिसमें भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान महिला टीम से 12 फरवरी को होना है। उम्मीद लगाई जा रही है कि वो मुकाबला भी रोमांचक होने वाला है। वहीं चैंपियन टीम में लगभग सभी खिलाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ऐसे में पहली बार इस साल होने वाली वुमेन्स प्रीमियर लीग में सभी टीमों के लिए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने की लड़ाई देखने लायक होगी। वहीं WPL का ऑक्शन डेट 11 से 13 फरवरी रखा गया है, हालांकि इस पर अभी BCCI का मुहर नहीं लगा है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।